जो है मानस भैया और दीदी गए हैं, एक गोल्डी दी हैं जो दीदी के फ्रेंड हैं उनके लिए साड़ी लेने गए हैं ये लोग। और मैं जो है गाड़ी में काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ और मैं भी चलता हूँ उनके अंदर। रंग बरसा जो है कि शॉप का नाम है, मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ कि कहीं भीड़ ना हो, जाम ना लगे, तो उन सब दिक्कत परेशानियों को मैं झेल सकूँ, सो इसलिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ। क्लियर कट में बात बता दूँ कि यदि भीड़ लगेगा तो मैं गाड़ी इधर उधर करने के लिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ कि शायद भीड़ ना लगे, क्योंकि मार्केट में जो है गाड़ी खड़ा करने की भी जगह नहीं होती है और बगल में ही फाटक है, तो कहाँ से होगा। चलिए मैं भी चलता हूँ रंग बरसा में, जमे रही मेरे म्यूजिकल सासों के साथ। BSNL का है थोड़ा थोड़ा। लाइट नहीं है क्या? हाँ जी, लाइट आने में। बताइए आप, कुछ बोलिए, किसके लिए आए? आए हम लोग यहाँ सिंधी कॉलोनी में, रंग बरसा एक साड़ी शॉप है, तो कुछ साड़ी देवी जी खरीद रही हैं। हाँ जी। और अपने लिए ही नहीं, कुछ औरों के लिए भी खरीद रही है ना, उनके लिए। तो अभी जो है हम लोग आए हुए हैं, दीदी की एक फ्रेंड हैं गोल्डी दी, तो उनके लिए साड़ी चॉइस करने, वो उनको लगता है कि ये जो चूज़ करेंगी वो काफ़ी बेस्ट होगा। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग आए हुए हैं साड़ी की शॉप पे, मेरे ब्लॉग में दिख रहा होगा आप सभी को, और आप सभी जानते हैं कि महिलाएं बड़े लेट करती हैं, तो दिखाते हैं आप सभी को कौन कौन से कितने देर तक वार्तालाप करते हैं। ये तो भैया बिल्कुल वो फिल्म जो नहीं रहती है, पहन के दिखाता है कौन हीरो रहता है। हाँ, रसवाल देखिए, अभी भैया कुछ देर में पहन के दिखाएंगे एक फाइनल हो चुका देवी जी का ब्लैक वाला। हाँ जी, अपने लिए भी ले रही हैं, अपने लिए भी ले रही हैं क्या? आज नमत लीजिए, आप बहुत कपड़े ले रही हैं, कितना लेंगी ये बताइए जरा। ब्लॉगर भी देख परेशान जा रहे हैं। नहीं तो आपकी इच्छा होगी तो मैं उसको रोकूंगा नहीं भाई, पैसा आपका है, जल्दी आपकी है। बात नहीं हुई पहले, उनका कटवन कर दीजिए। इच्छा जानते हैं आप सभी बढ़ती जाती है जब कहीं दुकान पे आ जाए या पहले किसी शॉप। 1,000 था, अब धीरे बढ़ गया, 2,000 हुआ था, 2,000 2,500 हो रहा है। देखिए तो आप सभी लेते लेते आज 10,000 ना हो जाए। देखते हैं कि आप सभी अगर कितने भी कपड़े क्यों ना हो, यदि कहीं शॉप पे पहुंच जाते हैं तो इनका लेना देना शुरू ही हो जाता है। और आगे तो आप सभी जानते होंगे, जिनकी शादी होगी वो लोग तो बहुत विस्तार पूर्वक जानते होंगे कैसे झेलते होंगे सब दुनियादारी, शॉपिंग कराना। और वैसे भी जाते हैं महिलाएं तो एक ली रहेंगी तब भी दूसरा लेने के लिए तैयार रहेंगी, एक ही कलर का लेंगे लेकिन लेंगी जरूर, सबको पूरा करेंगे भले ना पाए। हाँ जी, यहाँ वार्तालाप हो रही है इनकी फ्रेंड से जो है, तो दूसरा फाइनल हो चुका।
एकदम लग रहा है कि जैसे जादू दिखाने जा रहे हैं भैया। ये ज्यादा बेटर है। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे लग रहा है कि देखिए अब पंछी का पिंजड़ा निकलेगा अंदर से, मतलब पिंजड़े में से पंछी निकलेगा। ये होता है कौन कौन सा पहनेंगे, कौन सा पहन जाता है। जो है मारपीट चल रही है प्रोनाउंसिएशन पे, दीदी जी वो है कि गलती से निकल गया है कपड़े, तो मानस भैया कह रहे नहीं कपड़े नहीं कपड़े हो जाए, तो यहाँ मारपीट प्रोनाउंसिएशन पे चल रही है। आप सब बताइए कि आपकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है, कपड़े होता है कि कपड़े होता है, आप सभी बताइए। जैसा कि हाँ मानस भैया बताइए जरा, तो हिंदी से PhD है लेकिन कपड़े को कपड़े बोल रही है, कपड़े बोल रही है, कपड़े मतलब आप सभी जानते ही हैं कि कुछ और ही हो जाता है। कपड़े बढ़िया कपड़े बोल दीजिए ना, कपड़े रुपए का है। लग रहा है आपको भूत बन के, नॉर्मल लग रहा है, ये देख नहीं रहा भैया, भूत बन के कैसा आपको लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक देख रहे हैं? आधा ये पहन लीजिए आधा वो पहन लीजिए, हम लोग झूठ बोलेंगे, शीशा नहीं झूठ बोलेगा, बोलो भाई, भाई शीशा तुम ही बोल दो, शीशा भाई आप ही बता दो। देखिए मान जरा कुछ पूछ रहे हैं, बताइए जरा, मानस भैया यदि आपको लेना होता तो आप अब तक ले चुके होते कि ले रहे होते? मानस भैया जरा हमारे ब्लॉग्स में बताइए, बताइए पहन लीजिए, पहन के रेडी होइए, जनता देखने के लिए आपको परेशान है। मजा ले रहे हो? नहीं मैं ब्लॉग्स में दिखा रहा हूँ। तो ले रहे होते हमको लेना होता ना, हाँ तो हम पिंक भी डाल सकते हैं तो आपको हम तभी आते हैं दुकान पे जब हमको 5 साड़ी खरीदनी है। अच्छा इधर जा रहे हैं, 500 साड़ी खरीदनी होती तो मैं आता दुकान पे। देखिए ये धूप के कारण देखिए कुछ पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। हाँ भाई हाँ, धूप में ठीक खराब हो गया, सही हो जाएगा कल तक, एक पीपल जिंदगी बदल देगी। देखिए कब तक लेने, तब से हम लोग देख रहे हैं। अरे सो फाइनली जो है कि दो साड़ियाँ जो है फाइनल किए हैं हम लोग 2.5 घंटे में, और मंदाकिनी जी से पूछते हैं। एक 25 हाँ, वो तो हर जगह का आजकल फिक्स है,
तो मंदाकिनी जी बताइए, आपने ढाई घंटे में दो साड़ियों का चयन किया जो है कि इतने देर में आप कंफ्यूज्ड बट फाइनली पहला एक्सपीरियंस था इस दुकान का हम लोग का। बट बहुत अच्छी शॉप है मऊ में, आप भी क्या है कौन से रंग वर्षा मुझे ये याद आ रहा था कि रंग जब भी साड़ियाँ लेनी हो ना तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी शॉप है, आप सभी आ सकते हैं और लीजिए। लेकिन आप सभी भी जो भी ब्लैक कलर मैंने बोला है तो ब्लैक कलर में लगभग 2500-300 साड़ियाँ दिखा भैया, उससे भी ज्यादा ही दिखी और भी हैं बहुत सारी, तो आप सभी ले सकते हैं सारी कलेक्शन जो भी है। लेकिन आप सभी भी आइएगा तो ढाई घंटे में ही दो साड़ियाँ लीजिएगा, तभी अच्छी मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, वो तुरंत पसंद आ जाएंगी, वो मेरा चॉइस था तो मैं थोड़ा सा ले, थोड़ा तगड़ा देती है ना समय लगता है इनको खरीदने में। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा अच्छी वाली साड़ियाँ पहना के दिखाना, पहन पहन के दिखा रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये फाटक के पास सिंधी कॉलोनी में है ये, हाँ सिंधी कॉलोनी में फर्स्ट वाली जो मेन ब्रांच है इसकी, रंग वर्षा मतलब असली यही है ना, यही यहाँ पे जो भी सारी चीज सूट साड़ी का कलेक्शन सभी है। एक ही बार में इनका इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। हाँ सच्ची श्वेता ने बताया था इस के बारे में, शॉप के बारे में, और वाकई बहुत ज्यादा अच्छी वाली अभी इनका अभी जो मन है वो अभी सूट का मन है, लेकिन हम लोग इसलिए कि जल्दी में ना क्योंकि थका दिए हैं फिर सूट देखने लगे। चलिए ये वाला वो था यार प्रोफेशनली वाला, चलिए पहले उसको तो फिल करा। तो फाइनली जो है कि दो हम लोगों ने ले लिए हैं ढाई घंटे में। हम भी आपको कैसा लगा, हम लोग दो घंटे रहे आपके यहाँ मस्ती मजाक कर, मतलब 9 बजे के बाद भी आप आ सकते हैं, चटपटी पे आते हैं कभी कभार। जो चाचा मिले हैं जो कि कखा कखा सिखा रहे हैं भैया को, हमारे मानस भैया को, तो हाँ चाचा एक बार सुना दीजिए जरा, भैया नहीं चाचा एक बार आप सुना दीजिए। वाली लाइन भूल गए हैं चाचा, आज हम ही लोग देखिए काफी मस्तियों के साथ आज हमको रास्ते में राहुल भैया मिले हैं जो कि मेरा जो इतनी अच्छे से खटखटा है कि हमें लगा कोई मांगने वाला आ गया क्या। अरे भाई ऐसी है, हंसने वाली बात हो रही है। अच्छा सीरियस कॉमेडी तुम करते हो। नहीं फिर एक बार और आपसे पूछने, रास्ते में हमें राहुल भैया मिले हैं ठीक है, फाटक बंद था, गाड़ियां रुकी हुई थी और सिग्नल रेड था, तो अभी कुछ देर के बाद जो है कि भैया खटखटाते हुए दरवाजा जो खटखटाए हैं तो हमें लगा है कि कोई मांगने वाला आ गया क्या। इतनी इंसल्ट इंजीनियर है, इज्जत रखो। नहीं नहीं मतलब मजाक में कर रहे हैं, आप लोग सीरियसली ला लीजिएगा। जस्ट इमेजिन जैसे कि किसी को भी लग सकता है अचानक से कोई खटखटाएगा यदि ट्रैफिक में, तो आपको क्या लगेगा कि कोई तो देखिए अब इसके आगे चलते हैं। अभी जो है हाँ आप इसके बारे में बताइए, हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। कौन है अभी ये कखा का प्रतियोगिता दी है जो आज कई लोग पढ़े, मैं नहीं मंदाकिनी जी हैं। अच्छा हाँ क से लेके ग्यारह तक पढ़ना है, जो पढ़ लेगा इनको चाहिए इनाम, तो राहुल भैया का क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। पहले मम्मी पढ़ेंगी। हाँ पढ़िए। हाँ जी बताइए, साथ में रितिका जी हैं। पढ़िए इनाम में आपको मोबाइल देखो, मतलब बिना इनाम के नहीं बोले। चलिए मैं इनाम देता हूँ रुके, इनाम नहीं नहीं मैं इनाम दूंगा, खाने वाली चीज दूंगा, सर नहीं मैं खाने वाली चीज दूंगा, आपको पसंद जो बचा खुचा नमकीन है आपको मैं खिला सकता हूँ। चलिए ठीक है, पिज्जा ठीक है, ठीक चलिए आगे बढ़िए पढ़िए।
गड़बड़ा गया, सा 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 नहीं है, सा ख सा होता है। नहीं, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वही पढ़ते हैं उसको, खो हाँ। पढ़ेंगे, खो मतलब खरगोश हो जाता है, समझ गए ना। नहीं मतलब खरगोश आदमी बहुत, उसको खटपोड़ बोलते हैं, लेकिन है तो असली में स ही है वो। हाँ ठीक है, संतोष में उसको संतोष ख नहीं पढ़ेंगे, संतोष स ही पढ़ते हैं। सही है, तो स स स ह छात्र ज्ञान। आपको टीचर होना चाहिए, वो भी प्राइमरी वाला बढ़िया पढ़ेगा। हाँ, खरे उतरेंगे, अभी आज लेट हो रहा है, आज लेट हो रहा है, अगले दिन को काट दिया जा रहा है। काट मत दीजिएगा, रीतिका आप पढ़ो, तो अभी अभी स्कूल में जा रहे हैं ना। चला जाए फिर मंदाकिनी जी, चलिए अब धन्यवाद। मैं तो जानते हैं, मुझे अच्छे से याद है इनके जुल्फों से ही सब डर जाते हैं। मानस जी, हाँ मानस जी, मुंशी जी का टैंग आगे। नहीं वाला नहीं, वाह 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 राजू वाह, हम ड्यूटी क्वालिफाई कर देंगे। अब हुई आ आ की बारी, आ आ सुनाइए सर। अ आ इ ई उ उ री ए ए ओ औ अन अ। वाह सुपर टीवी पर। वाह राजू, अब चलिए अब ककारा तनिका का सुना दीजिए। ककारा सुना दे, ककारा भी सुन लिया जाए, ककारा भी सुन लिया जाए, बहुत समय लगेगा। क नहीं नहीं, बस क का सुना। हां क सुन, क का की कु। नहीं गलत कर दिया, लग रहा दिक्कत हो रही है। कक्का किकी कुकु के कह को को कंका, वही चीज। हां इस तरह किकी कुकु, हां सही है, के कह को को कंका। ये कंफ्यूज हो जा रहा है कि रास्ते में री नहीं जोड़ना है। कक्का किकी कक्का किकी कक्का किकी कुकु के कह को को कंका। चला जा, बहुत बहुत।